हम घर घर तक मिशन भगरता के तहत वाटर पहुंचाने वाले कोई लीडर है तो केसीआर साहब है। अब किसानों के लिए नमस्कार और सलाम। मैं मोहम्मद महमूद अली, तेलंगाना स्टेट होम मिनिस्टर, आपसे मुखातिब हूँ। आज हम लोग दरगाह शरीफ पर आए थे, अजमेर शरीफ पर, ख्वाजा गरीबा नवाज के दरगाह पर। हमारी स्टेट की तरक्की के लिए, हमारी आवाम की तरक्की के लिए यहाँ पर गिड़ा की दुआ की गई है, क्योंकि इस दरगाह से हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। जब हमारी तेलंगाना स्टेट नहीं बनी थी तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी इस दरगाह पर आकर माथा टेक कर दुआ करे थे कि आप हमारी स्टेट बनने में हमारी मदद कीजिए, अल्लाह ऊपर वाले से दुआ कीजिए खुदा से, ताकि हमारी स्टेट हासिल करने में हमको कामयाबी हासिल हो। तो हमारी स्टेट मिल चुकी है, 8 साल में बहुत तेज़ी से हम तरक्की कर रहे हैं। 8 साल पहले हमारी स्टेट में बहुत से मसाइल थे, हमारे पावर का बहुत बड़ा मसला था, लैंड ऑर्डर का बहुत बड़ा मसला था, नेक्सलिज्म था, क्रिमिनल राइट्स हुआ करते थे, फार्मर सुसाइड क्या करते थे, लोगों को पीने का पानी नहीं था। मगर आज इंडिया में नंबर वन स्टेट की तरह तेलंगाना स्टेट काम कर रही है। हम घर घर तक मिशन भगरता के तहत वाटर पहुंचाने वाले कोई लीडर है तो वो केसीआर साहब है। अब किसानों के लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाया गया, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके केनाल के जरिए उन्हें पानी दिया जा रहा है। रैतु बंधु रैतु बीमा स्कीम से हर एकड़ पर 5,000 रुपये, दो बार हर क्राप के लिए 5,000-10,000 रुपये फी एकड़ देते हैं, सारे किसानों को देते हैं। अगर किसी किसान के पास 2 घंटे 1 घंटा भी ज़मीन है और उसे कुदरती तरीके से किसी की डेथ हो गई तो उसे 5 लाख रुपये इंश्योरेंस किया गया, वो दिया जाता है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे स्टेट में गंगा जमुना तहजीब है और बहुत अच्छी से तरक्की कर रही है, इसीलिए हम यहाँ पर माथा टेकते हैं। और हमारी स्टेट, हमारे CM साहब ने बहुत तरक्की दिलाई है, और इसलिए आई एम कलेक्टर साहब से भी कि हम यहाँ पर अजमेर शरीफ के एरिए में एक गेस्ट हाउस बनाना चाहते हैं, जिसमें जो लोग हमारी स्टेट से आते हैं दरगाह शरीफ में ज्यारत के लिए और पुष्कर के लिए भी हमारे भाई आते हैं। तो हम ऐसा जगह का इंतखाब किए हैं जहाँ पर दोनों लोग भी आकर वहाँ गेस्ट हाउस में रह सकते हैं। और हमारी ख़ास तौर से हमारी कंट्री की बहुत बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर गंगा जमुना तहजीब है, और जो औलिया अल्लाह को बहुत मानते हैं, हिंदू भाई भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, जो लोग यहाँ पर आते हैं अजमेर शरीफ तो दरगाह ज़ियारत करना चाहते हैं, वहाँ से पुष्कर जाना चाहते हैं, उनके रहने के लिए बहुत बड़ा गेस्ट हाउस बनाया जा रहा है। उसके लिए ऑलरेडी हम 1 एकड़ ज़मीन ले चुके हैं, 5,200 स्क्वायर मीटर हम पेमेंट भी कर चुके हैं, परमिशन को भी दाखिल कर चुके हैं, उसकी भी फीस भर चुके हैं। तो वही इसलिए कलेक्टर साहब से और हमारे कमिश्नर साहब से मुलाकात किया हूँ कि उसका जल्द से जल्द परमिशन रिलीज़ किया जाए। अभी दोपहर के बाद हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर से मुलाकात है, इंशाल्लाह हो सका तो CM साहब से भी मुलाकात कराएंगे, नहीं तो हमारे CM साहब से उनका शुक्रिया अदा करने फ़ोन भी करेंगे। तकरीबन परमिशन मुकम्मल हो चुका है, 2-4 दिन में हमारे अफसर आकर वो परमिशन लेकर एक अच्छा सा गेस्ट हाउस बनाएंगे। मैं समझता हूँ सारे हिंदुस्तान में पहला गेस्ट हाउस हमारा तेलंगाना स्टेट का रहेगा, चाहे वो पुष्कर के जाने वालों के लिए हो या अजमेर शरीफ दरगाह शरीफ में आने वालों के लिए हो। तो CM हमारे कलेक्टर साहब ने भी तयखुन दिया है और हमारे कमिश्नर साहब ने कहा सब चीज़ें रेडी है, हम दे देंगे, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी बिल्डिंग हम बनाएंगे। और हम जब बनाने के बाद मैं समझता हूँ दीगर स्टेट वाले भी अगर यहाँ पर गेस्ट हाउस बनाएंगे ताकि उनके स्टेट के लोगों को रहने के लिए कंजेस्टेड ना हो, अच्छी तरीके से अकोमोडेशन प्रोवाइड हो। मैं तमाम हमारे अजमेर शरीफ के तमाम जितने मीडिया के दोस्त हैं सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू वेरी मच। नहीं, हमारे पास ये बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे, बताइए आप कहते हैं, हमारे पास जो 20-25 जो बना रहे हैं रूम, VIP रूम बना रहे हैं, कोई 1,500 आदमी नहीं आएंगे और किसी को कौड़ी बराबर भी ज़र्रा बराबर भी तकलीफ नहीं होगी, बहुत अमन से प्यार से मोहब्बत से रहेंगे। और अगर कोई बस्ती के लोग अगर समझ रहे हैं तो, क्योंकि कुछ लोग उसको गलत ले सकते हैं, कोई लोग ऐसा समझ रहे हैं तो ये तो सिर्फ जो जाकर पुष्कर में माथा टेकने वाले लोग या अजमेर शरीफ में माथा टेकने वाले लोग, ये कभी भी किसी को तकलीफ नहीं पहुँचेंगे,
तो मैं यहाँ के बस्ती के लोगों से भी मीडिया के ज़रिए गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे साथ बिल्कुल, आपके डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा, वो एरिया में डेवलपमेंट आएगा। और ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि वक्त बाद में 200 400 500 हज़ार आदमी रहने के लिए, वो तो 10 20 25 लोग आते रहते जाते रहते। इंशाल्लाह हर चीज़ को अमन बरकरार रखेंगे। छात्रावास भी बनेगा जी, हाँ जी ज़रूर बनेगा। तो उसी भी इशू बन रहा है कि जब छात्रावास क्या छात्रावास हॉस्टल नहीं, सिर्फ गेस्ट हाउस बन रहा है। उसी को लेकर विरोध चल रहा है। नहीं देखिए, दो चीज़ों के लिए बन रहा है, पुष्कर जाने वाले उसमें तो ज़्यादातर तो भाई हमारे हिंदू भाई है, हमारी स्टेट में 12% मुसलमान, तो 88% तो हिंदू भाई रहते हैं, ज़्यादातर तो हिंदू भाई चाहेंगे। ऐसा कुछ वहाँ पर ज़रा बराबर भी किसी को तकलीफ नहीं होगी और बहुत अच्छी तरीके से अरेंजमेंट भी रहेगा। और हमारी स्टेट सारे हिंदुस्तान में एक अमन का गहवारा है, वहाँ बहुत पुरमन तरीके से हम लोग रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं। वही लोग आएंगे और सब प्यार बांटेंगे सबके साथ। ऐसे